मुहर्रम के 40वें पर हजरत इमाम हुसैन की याद में ईरानी समाज के लोगों द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल रहे। हजरत इमाम हुसैन के 40वें के अवसर पर दुर्ग के ईरानी डेरा किलाबाड़ी से ईरानी समुदाय के लोगों द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सभी काले लिबास में हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा कर मातमी जुलूस निकालते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में ईरानी समाज की महिलाएं व छोटी बच्चियां अपने हाथों में अलम लिए नजर आई। इस दौरान महिलाओं ने हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा कर मातम मनाया। वहीं ईरानी समाज के युवाओं ने भी इस मातमी जुलूस में जंजीर से जगात कर याद किया। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड पहुंचे जुलूस के बाद समाज के लोगों द्वारा तकरीर का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही हाजी मोहसिन अली सुहैल फरमान अली द्वारा शायरों के नोहे भी पेश किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में ईरानी समुदाय शामिल रहे। मुरीदों से कहा कि एक काम करो, यजीद हुसैन को खत लिखो और खत में ये तहरीर करो कि हुसैन अगर मेरी बैयत करने पे आमादा हो जाए तो मैं उसे बख्श दूंगा, मगर हुसैन जानते थे अगर मैंने यजीद का समर्थन कर लिया तो यजीद जो इस्लाम मोहम्मद ने दिया है उसे पामाल कर देगा, उसे बर्बाद कर देगा, उसे खत्म कर देगा। हुसैन ने यजीद के समर्थन से इनकार कर दिया, यजीद ने दूसरी बात रखी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।